नमस्कार दोस्तों, आप मोदी जी की जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी जाने क्या क्या होता था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये बातें होती थी। अब नरेंद्र मोदी को राम के नाम से नफरत है, वो नहीं सुनना चाहते हैं राम का नाम, और अब इसीलिए उन्होंने जय श्री राम कहना बंद कर दिया है। अब वो बोल रहे हैं जय जगन्नाथ। जब वो जय जगन्नाथ बोल रहे हैं तो सवाल उठता है कि भाई जय जगन्नाथ क्यों बोल रहे हैं, वो तो जय श्री राम बोला करते थे। और जब जय श्री राम बोला करते थे तो ऐसा क्या हो गया कि वो जगन्नाथ पे आ गए। उनके प्रवक्ता संबित पात्रा कहते थे कि जगन्नाथ जी मोदी के भक्त हैं, तो जब जगन्नाथ जी मोदी के भक्त हैं तो कैसे आ गए और क्या हुआ। बिल्कुल स्पष्ट कि मोदी को अब जय श्री राम से डर लगता है। उन्हें डर क्यों लगता है, क्योंकि राम की उस धरती ने कहा तुम राम को क्या लाओगे, राम तुमको लाए थे, तुमने राम को बेचा है, तुमने राम का अपमान किया है, और तुमने जो अपमान किया है उसका मैं बदला लूंगा और सजा दूंगा। और राम की उस धरती के इर्द गिर्द चाहे अमेठी हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे बाराबंकी हो, जो भी है, सब ने बुरी तरीके से नरेंद्र मोदी को हरा दिया, भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह पटकनी दे दी, तमाम कद्दावर निपट गए। यह हुआ है, और यह हुआ है तब आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने खुद संसद में कहा था अब की बार 300 पार, और अब की बार 370 पार, एनडीए के लिए कहा गया था अब की बार 400 पार। और स्थिति क्या हुई, आज के जो अखबारों की स्थिति है आप वो देखिए, वही अखबार जो गुणगान करते नहीं थक रहे थे वो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इंडिया कट्स मोदी डाउन, इंडिया ब्लूम्स लोटस विल्ट्स, कोलेशन कर्मा, अब की बार कोलेशन सरकार, एनडीए लीडिंग इंडिया साइनिंग, अब की बार 272 भी टू फार। तो इस तरह के जब शब्द लिखे जा रहे हो तो आप समझ सकते हैं। तो आज यह स्थिति हो गई है, आज पूरा संघी सिस्टम, जो संघी इकोसिस्टम है, जो इकोसिस्टम की बात करते हैं मोदी, वो संघी इकोसिस्टम राम को गाली दे रहा है, राम के परिवारजनों यानी अयोध्या नगरी के लोगों को गाली दे रहा है, उनके लिए न जाने क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है। राम कहते थे अयोध्या का जनजन मेरा परिवार, और अयोध्या के लोग कहते हैं कि हम तो भगवान राम की प्रजा है, और जो भगवान राम की प्रजा हो उनको गाली दे रहा है। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनके तमाम अंधभक्त और वो लोग, क्या हो गया। मैंने तमाम पत्रकारों का सुना, मेरे एक साथी पत्रकार रहे हैं दीपक चौरसिया, उन्होंने इसको लेके जो लिखा मुझे बड़ी अजीब सी स्थिति लगी कि कौन लोग हैं, क्या कह रहे हैं, आज अयोध्या को गाली देने लग गए। जो अयोध्या को गाली दे रहे हैं समझ में आता है कि कैसे लोग, और अयोध्या में किसी और ने नहीं, एक दलित व्यक्ति ने हराया है उस सवर्ण सीट से, जो सामान्य सीट थी वहां से हराया। तो भगवान ने वह बता दिया कि हम प्रेम के भूखे, हम इस महलों के भूखे नहीं है, यदि महलों के भूखे होते तो हम अयोध्या छोड़ के
इतने साल वनवास न काट, हम अयोध्या से में आए तो भी हम इसी तरह रहे, अयोध्या वासियों की तरह रहे, महलों वाले अंदाज में नहीं रहे। राम उन महलों में नहीं रहे, राम संत की तरह रहते थे, ते पढ़ लेते थोड़ा सा राम, राम के उस आदर्श को तो शायद समझते। बहरहाल इनको क्या समझ है और ये क्या समझे, याद करिए 19 तारीख को, 20 को नहीं, 19 मई को मैंने अयोध्या में ही खड़े होकर के यह वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि अयोध्या भाजपा हारने जा रही। 19 तारीख को, 20 को वहां वोट पड़ा, क्योंकि 19 को जब मैं वहां से घूम के निकला था तो मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी, वो चीज भी दिखाई थी कि अयोध्या के लोग कैसे अपने आप को ठगा हुआ पा रहे हैं। अयोध्या के लोगों के साथ जो भगवान राम के परिजन हैं, उनकी प्रजा हैं, उनके साथ क्या अत्याचार हुआ है, कैसे उन्हें उजाड़ा गया है, कैसे उन्हें बर्बाद किया गया है, उनकी हाय लगी है, रोए हैं लोग, उसका जवाब था कि बगल में अमेठी सीट पे स्मृति ईरानी किस तरीके से देश के लिए शहीद होने वाली विधवा के लिए क्या क्या शब्द कहती थी, उन सोनिया गांधी के लिए जिन्होंने भारतीय आदर्श को अपनाया था, मिथिला राज्य की जो विदेशी हुई सीता भारत में आती है, अयोध्या की महारानी बनती है, और उन सीता को यदि कोई यही कहता, तमाम तरह से गालियां देता तो क्या होता, कमोबेश वही दर्द जो झेला जाता है वही दर्द। तो इसलिए अयोध्या ने यह जवाब दिया है और राम कृष्ण शिव की धरती ने जवाब दिया है। मोदी हारते हारते बचे हैं, 3 राउंड शुरुआत में हारे, राजनाथ सिंह हारते हारते बचे हैं, कितना बड़ा अंतर आ गया, जो 3.5 लाख से जीता था, जो 4.5 लाख से जीता था वो 1.5 लाख से जीत रहा है, वो 1.25 लाख से जीत रहा है, इस तरह की स्थिति में आ गए। तब भी यदि होश नहीं आए तो ईश्वर, एक मौका भगवान जगन्नाथ ने दिया, उड़ीसा में दिया, तो अब मोदी भूल गए राम को, अब जगन्नाथ करने लगे। ये नहीं पता है कि जगन्नाथ और राम एक ही है, अलग नहीं है, आगे वक्त बताएगा। चलिए छोड़िए इस बात को, बात यहां पर है कि आखिर जिस तरह की स्थिति हुई तो आप ये समझ लीजिए, जहां राहुल गांधी के प्रति लोगों का विश्वास जागा है, एक तरफ वो राहुल गांधी जिसकी पार्टी के खाते सीज कर दिए गए थे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, न्यायपालिका से लेके तमाम उनके खिलाफ लगे थे, मीडिया उनकी छवि खराब करने पे लगा था, तमाम पूंजीपति इतना रुपया फूंक रहे थे कि कैसे भी हराओ, और उसके बाद में राहुल गांधी ने तो अपना फिगर डबल कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की स्थिति क्या है, पहली बार 282 आए थे, दूसरी बार 303 आए थे, और इस बार 240 पे पहुंच गए, तब जब सारे पूंजीपति, सारा मीडिया, सारी एजेंसियां, सब कुछ लगे थे। कई सीटें हमें पता है यूपी में जिस तरह से जितवाई गई हैं, चाहे फरुखाबाद की सीट हो, चाहे फूलपुर की सीट हो, चाहे बांसगांव की सीट हो, या और एक दो सीटें, तो आप यह मान लीजिए कि कैसे बिजली बंद करके, कैसे कुछ और करके जो खेल किए गए। लेकिन इन सब खेल के बावजूद भी जनता ने यह जवाब दिया कि वह इसको नहीं पसंद कर। जनता ने बताया कि हमें तो वो चाहिए जो सच्चे, तो सच्चों की बात हो। जनता ने एक मैंडेट दिया, हालांकि पूरा मैंडेट नहीं मिल पाया, क्यों नहीं मिला इस पर मैं नहीं जाऊंगा,
क्योंकि आज इस पर चर्चा का समय, आज इस पर है कि सरकार किसकी बनेगी, क्यों बनेगी, कैसे बनेगी। नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का मैंडेट तो नहीं मिला है, और जब नहीं मिला है तो वो कैसे बना रहे हैं, जोड़ गांठ के उन्हीं दलों से बना रहे हैं जो कभी कांग्रेस के साथ होते थे, कभी भाजपा के साथ है, चाहे वो पलटू चाचा हो, चाहे टीडीपी के प्रमुख हो चंद्रबाबू नायडू या कोई और। तो इस तरह के तमाम सारे लोग हैं, पासवान भी कांग्रेस के साथ होते थे, और ये सब आज उनके साथ मिलकर के सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बनाइए, लेकिन क्या जिस विचारधारा की आप बात करते थे वो विचारधारा नरेंद्र मोदी के साथ है? जनता ने क्या उसे स्वीकारा है? नहीं स्वीकारा है, उसने रिजेक्ट किया है। कुछ चीजों में अच्छाई रही होगी शायद, इसलिए पूरी तरह रिजेक्ट नहीं किया, या ये कह सकते हैं पूंजी ने वो कमाल किया, संस्थाओं ने वो कमाल किया। तो जो भी हो, यहां पर 40 सीटें कम रह गई, 40 से भी कम, और वहां पर उतनी सीटें इधर उधर से आ जा रही। तो सीटों का जो ये तालमेल है, उस स्थिति में यदि आप देखें तो बहुत सारे सवाल हैं। सवाल इस बात पे हैं, राहुल उम्मीदों के भारत, राहुल इस देश के हर व्यक्ति के भारत, राहुल इस देश के भारत की आवाज है, और वो बन के निकले। उन्होंने सबको जोड़ा है, सबको मजबूत किया है, और इस कारण से तो राहुल गांधी ने तो कहा, हम सड़क से लेके संसद तक इस देश के लोगों के लिए लड़ेंगे और उन्हें हक दिला के रहेंगे, चाहे सरकार किसी की। तो स्वाभाविक सी बात है, जो हक की लड़ाई लड़ता है वो ऐसे ही, हक सत्ता में रह के भी कई बार नहीं मिलता है, और कई बार आप विपक्ष में रह के दिला देते हैं। इसके तमाम उदाहरण है कि राहुल गांधी ने विपक्ष में रह के जो लड़ाई लड़ी उसके कारण तमाम लोगों को हक मिले। तो हक मिलने चाहिए सबसे बड़ी बात। इसी बात को लेकर के प्रियंका गांधी ने कहा, मुझे गर्व है कि राहुल गांधी मेरे भाई है, मैं उनकी बहन हूं। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ इतनी साजिशें की गई, सब कुछ किया गया, बावजूद इसके वो लड़ रहा है और कर रहा है। तो सरकार बनाने की गणित भी बन सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है मैं सौदेबाजी नहीं करूंगा, जो आएगा उन विचारों के साथ आएगा, आइडिया ऑफ इंडिया के साथ आएगा, और जो आएगा वो इन सारे न्याय के साथ आएगा। जो न्याय के साथ आएगा उसके साथ हम हैं, वो हमारे साथ। तो ये न्याय की लड़ाई है। अब न्याय की लड़ाई कौन कितनी देर कहां तक साथ रहता है, खड़ा होगा या बाद में होगा, ये देखना होगा। हो सकता है नरेंद्र मोदी सरकार बहुमत के लिए अपना जो प्रस्ताव पेश करे और वहां पर उसके पक्ष में उतने मत ना पड़े, और सिद्ध हो जाए कि नरेंद्र मोदी की सरकार अल्पमत में है, और अगर अल्पमत में हुई तो दूसरी सरकार बनाने का न्योता देना ही पड़ेगा, और दूसरी सरकार बनाने का न्योता जब दिया जाएगा तो खेल कुछ और हो सकता है। क्या हो सकता है, इन सब पर भी विचार करने के लिए। बहरहाल यह बात सत्य है कि अब यह इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इस देश की आवाज है, और इस देश ने एक मैंडेट दिया है, मैंडेट दिया है कि तानाशाही वाली सरकार नहीं चलेगी, अब जो भी सरकार चलेगी वो मिलजुल कर चलेगी, चाहे वो भाजपा नीत एनडीए सरकार या कांग्रेस नीत इंडिया सरकार।
अब सरकार जो बनेगी वो सबकी आवाज बनेगी, तो उस दिशा में बात हो रही है। और अब मोदी सरकार नहीं कही जाएगी, तो अब मोदी सरकार तो नहीं ही होगी। तो इससे तय है कि चाहे जो कुछ कर ली, मोदी सरकार किसी स्थिति में नहीं आएगी, तो एनडीए सरकार आएगी या इंडिया सरकार आएगी, इसकी तैयारी। तो स्वागत करने के लिए नई सरकार के तैयार हो जाइए। अब आपकी बात होगी, चाहे पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो, क्योंकि विपक्ष इतना मजबूत है कि पक्ष की लगाम खींच के रखेगा और सत्ता को गलत नहीं करने। Yeah.